सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है, मैं पहले दिन से बोलते आ रहा हूँ, सुशांत भैया सुसाइड करने वाले के इंसान नहीं है। ये सपना लेके आए थे मुंबई में, ये बोले थे कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो मैं जाके ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करूँगा। जो सिर्फ एक्टिंग के लिए आ रहा है मुंबई में और उसका करियर अगर नहीं बनता है, ये अलग बात है कि सुशांत का करियर ऊंचे चरम पे था, सक्सेसफुल एक्टर थे, उनको मारा गया है। अब जो साजिश रची गई थी, उस साजिश में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, मैं बोलूंगा दिशा सालिन के केस से कनेक्ट होता है सुशांत सिंह राजपूत का केस, दोनों का मर्डर हुआ है और सुशांत को न्याय दिला के हम रहेंगे। सुशांत का आज बरसी हम मना रहे हैं, 365 दिन हो गए हैं, 65 दिन मुंबई पुलिस ने लिया, उन्होंने पूरे सबूत मिटा दिए, 300 दिन सीबीआई लेके बैठी है। ये वही सीबीआई है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पिंजरे का तोता है या पोपट है। आज अगर सीबीआई कुछ नहीं बोल रही है, कौन रोक रहा है आपको? अरे आप सुसाइड बोल दीजिए, बोलिए कि मेरा दोस्त ने सुसाइड किया, उसका तथ्य दीजिए, आप उसका प्रमाण दीजिए कि किस तरह उसने सुसाइड किया। अगर आपके पास पार्थिव शरीर ही नहीं है, आपके पास 20% विसरा है, क्या उसमें फिंगरप्रिंट दिखेगा आपको? कुपर हॉस्पिटल के जो पोस्टमार्टम हुए हैं उसमें टाइम ऑफ डेथ नहीं लिखा हुआ है, पार्थिव शरीर नहीं है, सीबीआई एम्स की रिपोर्ट पे डिपेंड होगी। अरे आपने क्राइम सीन को अभी तक सील भी नहीं किया, ये कैसा जांच? तो हम जो सुशांत भैया के चाहने वाले हैं, मैं सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त प्रण लेता हूं, जब तक मेरे दोस्त को न्याय नहीं दिलाऊंगा तब तक मैं मेरे शरीर का कण कण लगा दूंगा। और हम पीछे नहीं हटेंगे सीबीआई पे, अगले वक्त हम वहां पे जाके धरना देंगे, प्रोटेस्ट दे देंगे कि आप खुलकर आइए बताइए कि मेरा दोस्त का मर्डर हुआ है, और जितने भी आरोपी है उन पे 302 का धारा लगना चाहिए।